ऑफिस में सागरिका, राज और ऋत्विक की बहस अब तक चल रही थी। सागरिका का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो गुस्से में ही बोली, मैं तो कभी भी इस शो के फेवर में नहीं थी। शो का कॉन्सेप्ट ही बकवास है। तुम दोनों चाहते थे और मेरे लाख मना करने पर भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने शो के लिए हाँ बोला। लेकिन वो लड़की नहीं, उसे तो मैं हरगिज इस शो का हिस्सा नहीं बनने दे सकती हूँ। वो डिजर्व ही नहीं करती है। आई जस्ट डोंट लाइक हर। मैं उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एक आशी को जानती हूँ, हमारे कॉम्पिटिटर FM में है वो, बट शी इज परफेक्ट। आई नो वो अच्छे से हैंडल कर लेगी शो को। कल ही बात करती हूँ उससे और उसे एक अच्छा सा ऑफर दूंगी जिससे वो शो के लिए मना ही ना कर पाए। देन दैट गवार लड़की इज आउट ऑफ दिस शो एंड दिस ऑफिस। सागरिका जोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोली। ऋत्विक सागरिका की बातों से सहमत नहीं था। वो बोला, आपको नहीं लगता पर मुझे लगता है कि अर्पिता में काबिलियत है। एक दिन उसने एक लड़के को सुसाइड करने से रोक लिया था और सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे कॉलर्स भी खुश हैं अर्पिता से। फिर दिक्कत क्या है? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं दी, मुझे लगता है कि हमें अर्पिता को चांस देना चाहिए। और आप ही सोचो, भाई उसके फेवर में बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है ना लड़की में। भाई ऐसी किसी की तारीफ थोड़ी ना करते हैं। राज ऋत्विक की तरफदारी करते हुए बोलता है, तेरा मतलब है कि ऋत्विक कभी गलत नहीं हो सकता? वो जो लास्ट बिजनेस में लॉस हुआ था वो किसकी गलती थी? ओ हाँ, ऋत्विक की गलती कैसे हो सकती है? एक्चुअली मेरी ही गलती थी कि मैंने बिजनेस इसे संभालने के लिए बोला। एंड यू नो व्हाट, मैं मेरी वही गलती अब सुधार रही हूँ। मैं अब तुम दोनों पर कोई भी फैसला नहीं छोड़ने वाली। मैं डिसाइड करूंगी कि ये FM कैसे चलेगा। सागरिका इतने गुस्से में थी कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। ऋत्विक बिजनेस में लॉस की बात सुनकर गुस्से से भर गया और बोला, बस उस एक बात को लेकर आप जिंदगी भर सुनाती रहेंगी मुझे। आई एम रियली फेड अप यार। और आपको क्या लगता है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं? वो जो आपने उस दिन वो सब, ऋत्विक और सागरिका एक दूसरे पर पर्सनल बातों से अटैक कर रहे थे, इसलिए राज सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखकर ऋत्विक की बात होने से पहले ही बीच में बोल पड़ा, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, शांति शांति शांति, बस करो यार। एक काम करते हैं, हम इस शो और अर्पिता को एक हफ्ते का टाइम देते हैं, फिर जो भी डेटा आएगा उससे डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। अगर जरूरत हुई तो हम अर्पिता को रिप्लेस कर देंगे, ओके? सागरिका और ऋत्विक ने राज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और इतने दिनों के बाद मिले हैं हम लोग यार, ऐसे ही लड़ते रहेंगे क्या? ये सब तो चलता रहता है। आज के लिए बहुत हो गया काम, मुझे अब जोरों की भूख लग रही है। मॉम का फोन आया था, उन्होंने हम सबकी फेवरेट डिश बनाई है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। चलो ना घर चलते हैं जल्दी से। राज अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बच्चों की तरह जिद करता हुआ बोलता है, चल भुक्कड़, तेरा बस चले ना तो तू अभी हमें ही खा जाएगा। मैं तुम दोनों के लिए लंदन से तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स और वाइन लेकर आई हूँ। कल तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। घर चलते हैं, फिर वाइन के साथ तीनों चिल करेंगे। सागरिका राज और ऋत्विक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है। ऋत्विक ने एक गहरी सांस ली और मन नहीं होने पर भी राज का दिल रखने के लिए मुस्कुरा दिया। वहां तीनों भाई बहनों की बहस तो खत्म हो गई थी, लेकिन अर्पिता के यहां अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ था। इतनी शांति तो उस घर में आज तक कभी नहीं हुई थी। घर पहुंचकर अर्पिता सीधे बेडरूम में चली गई। उसने अपना बैग साइड में फेंका और बेड पर लेट गई। गौरव ने ये सब देखा पर वो कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि अर्पिता ऑफिस में थक गई होगी, शायद इसलिए चुप है। गौरव फ्रेश होकर आया और अर्पिता को तब तक यूं ही बेड पर लेटे हुए देखकर बोला, क्या मैडम आज खाना नहीं मिलेगा क्या? पहले दिन कस्टमर से बात करके इतना थक गई कि बोलती बंद हो गई तुम्हारी। कमाल है यार, जो काम इतने दिन में मैं नहीं कर पाया वो तुम्हारे ऑफिस वालों ने एक ही दिन में कर दिया। उन्हें तो पर्सनली थैंक यू बोलना पड़ेगा। अर्पिता गौरव की बात सुनकर चिढ़ गई
पर वो गौरव के अफेयर के बारे में सोचकर इतना दुखी हो रही थी कि उसका गौरव से बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। बस उसने बाथरूम में घुसते हुए इतना ही कहा, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, बहुत थक गई हूं मैं। और जैसे घर चलाना हम दोनों की जिम्मेदारी है, वैसे खाना बनाना भी दोनों को ही आना चाहिए। इसलिए आज खाना तुम बनाओगे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम खाना बनाओ। ये बोलकर अर्पिता अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। गौरव पीछे से बोला, अरे पर मुझे कुछ नहीं आता बनाना, क्या बनाऊं मैं? अर्पिता यार बना दो ना तुम ही। अर्पिता अर्पिता ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो गौरव को समझ आ गया कि आज तो खाना उसे ही बनाना पड़ेगा। मजबूरन वो किचन में गया और इधर उधर कुछ बनाने के लिए ढूंढने लगा। अलमारी खोलकर देखा तो सामने जो चीज नजर आई उससे गौरव की आंखें चमक उठी। यही बनाता हूँ, इतना बढ़िया बना लूंगा कि खुश हो जाएगी अर्पिता। गौरव स्टोव पर पतीला रखते हुए बोलता है। आधे घंटे बाद जब गौरव खाना लेकर पहुंचा तो अर्पिता टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। प्लेट में अर्पिता को सर्व करने के बाद गौरव ने थोड़ा खाना अपनी प्लेट में भी डाला और दोनों खाना खाने लगे। अर्पिता चुपचाप खाना खा रही थी तभी गौरव ने पूछा, कैसा बना है, तुमने बताया नहीं? अर्पिता गौरव का सवाल सुनकर आश्चर्य में थी। उसके मन में तो कई ख्याल आ रहे थे पर वो बड़े ही प्यार से बोली, बहुत ही बढ़िया बनाए हो तुम, हम वही तो सोच रहे थे, तुम्हें मास्टर शेफ में होना चाहिए था, कहाँ आईटी के चक्कर में पड़ गए तुम। मतलब इतनी बढ़िया मैगी बनाए हो तुम कि तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। 2 मिनट में बनने वाली चीज को सबसे ज्यादा देर में बनाने के लिए तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। अब क्या चाहते हो, क्या बोल दे तुम्हारी तारीफ में, हम नाम रोशन कर दिए हो तुम अपने खानदान का। शुरुआत में खुश हो रहा गौरव समझ गया था कि उसकी प्यार से गजब बेइज्जती हो रही थी। वो उठते हुए बोला, कोई कदर ही नहीं है मेरी, मुझे खाना बनाना ही नहीं चाहिए था, अब कभी नहीं बनाऊंगा। यार ये मैगी को ना बार बार खाना खाना बोलकर खाने की बेइज्जती मत करो तुम, अर्पिता गौरव को चिढ़ाते हुए बोली। खाना खाने के बाद अर्पिता और गौरव दोनों बेडरूम में बैठे थे पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अर्पिता सोच रही थी कि क्या वो गौरव से उस लड़की के बारे में पूछे जिसे वो कार में हक कर रहा था। वहीं गौरव लगातार अपने फोन पर टेक्स्ट मैसेजेस भेजने में लगा हुआ था और बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा था। जरूर इसका ना चक्कर चल रहा है, वरना कौन ऐसे मैसेज करते करते मुस्कुराता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है बाबा जी। उस बंगाली बाबा से पूछूं क्या जो हर समस्या का समाधान बताते हैं पर आई स्त्री से पीछा भी छुड़ाते हैं। लेकिन पक्का कैसे करूं कि इसका चक्कर चल ही रहा है। अर्पिता अब तुझे अपने जासूस दिमाग को जगाना ही पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते अर्पिता को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन अर्पिता जब ऑफिस पहुंची तब भी उसका मूड खराब था। राज ने उसे देखा और उसकी तरफ जाते हुए हाथ हिलाकर बोला, हाय। पर अर्पिता ने उसे अनदेखा कर दिया और रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। वहां सागरिका पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सागरिका को वहां देखकर अर्पिता का मूड और भी खराब हो गया, लेकिन वो सागरिका पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैं आज पूरे शो में तुम्हारे साथ ही रहूंगी और ये देखूंगी कि तुम किसी भी कॉलर को चीप और सेंसलेस आंसर ना दो, और बकवास लैंग्वेज तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। मैं जैसे बोलूंगी तुम्हें वैसे ही जवाब देना होगा, ठीक है? सागरिका ने एटीट्यूड दिखाते हुए बोला। अर्पिता ने सागरिका को कोई जवाब नहीं दिया और तभी पहले कॉलर का फोन आया। Share your secrets with Koyal Malhotra. मैं पारुल बोलू छू, तमे केम छो? कॉलर ने बोला, एकदम मजा माँ पारुल बेन, बताओ किस बात से परेशान हो तुम? कोयल उर्फ अर्पिता ने जोश में कहा, मेरी ना अरेंज मैरिज हुई थी, शादी के बाद पता चला कि मेरा पति ममाज बॉय है, पूरा टाइम जी मम्मी
हाँ मम्मी, और क्या मम्मी ही करता रहता है, हर समय अपनी मम्मी के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता है। शॉपिंग करने जाओ तो मम्मी साथ जाती है, फिल्म देखने जाओ तो मम्मी साथ जाती है, और तो और घूमने जाओ तो हमेशा मम्मी आएगी। कुछ भी करो, मेरा पति पहले अपनी मम्मी से पूछता है, कोयल बेन, मेरी रोमांटिक लाइफ की तो नैया डूबती नजर आ रही है, अब तुम्हें बताओ मैं सो करूं। कॉलर ने अपनी परेशानी बताई। अर्पिता बोली, मतलब तुम्हारी रासलीला के रंग में तुम्हारी सास भंग डाल रही है। प्रॉब्लम तो थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन डोंट वरी, कोई ना कोई सलूशन तो मिल ही जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति को क्या क्या पसंद है? उसको अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा खाना खाना जमता है, इसीलिए मेरी मम्मी ने बोला कि उसको अच्छा खाना खिला, फिर वो तेरी बात मानेगा। पर ये आइडिया सुपर फ्लॉप निकला, खाना बना बना के थाकी गई, वो चटकारी लेकर खाना खाता है और फिर बोलता है मम्मी जैसी बात नहीं है, अब तो मैं आपो अर्पिता बहन हूँ, सो करूं। कॉलर दुखी होकर बोलती है, अरे पारुल बेन, वो खाना खिलाने का टाइम गया, अभी क्यों तुम खाकरा थेपला फाफड़ा और ढोकला के चक्कर में पड़ी हो, ये सब चीजें तो तुम्हारा पति कहीं बाहर से ऑर्डर करके खा सकता है, उसे वो दो जो वो बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकता। अर्पिता की आवाज में शैतानी झलक रही थी। कॉलर बोली, वो क्या कोयल बेन? इतने में सागरिका ने कोयल को एक पेपर पास किया जिसमें लिखा था कि कॉलर को कहो कि कॉलर अपने पति और सास के साथ बैठकर बात करे, और साथ में ये भी लिखा था कि अर्पिता को कोई भी बकवास नहीं करनी है। अर्पिता ने सागरिका को देखा और अपनी भौहें चढ़ाई, फिर पेपर को साइड में रख दिया और कॉलर से बोली, अरे यार सिड्यूस करो अपने पति को, उसे नॉटी मैसेजेस भेजो, और जब वो ऑफिस से घर आए तो रात को कोई सिडक्टिव सी ड्रेस पहनकर उसे रिझाओ, उसे अपनी अदाएं दिखाओ, थोड़ा नखरे दिखाओ, मर्दों का ना वीक पॉइंट होता है ये, इसकी आड़ में अपने पति से अपनी बातें मनवाओ। मैंने ये पहले ट्राई किया है, पर वो बहुत तेज है, रात को तो हाँ में हाँ मिलाता है, पर फिर काम होते ही पहले जैसा हो जाता है। कॉलर ने अपनी दुविधा समझाई, मतलब तुम्हारा पति ना कुत्ते की दुम है, लेकिन चिंता मत करो, कोयल के पास ना हर तरह की दुम का इलाज है, अब उसे ना उसके किए का ही स्वाद चखाते हैं। एक काम करो, आज से तुम भी ना हाँ मम्मी और जी मम्मी करना शुरू कर दो, तुम्हारा पति जो भी काम करे उसे बीच में ही टोक देना, और पूछना काम करने से पहले मम्मी से पूछा था या नहीं, वो काम चाहे फिर कुछ भी हो, बाथरूम जाना हो, पानी पीना हो, कपड़े बदलना हो, या फिर बाल बनाना हो, उसे शांति से मत करने देना, और अगर वो तुम्हें कुछ काम करने को बोले तो करने से पहले बोलना कि पहले मम्मी जी से पूछ लेती हूँ करूँ या नहीं, और फिर तुम निकालना तुम्हारा त्रुप का पत्ता, जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे नजदीक आए या तुम्हें छूने लगे तो उसी वक्त अपनी सास को आवाज लगा देना, तुम्हारा पति पूछेगा क्यों बुला रही हो तो बोल देना पहले मम्मी जी से पूछ लेते हैं करें या नहीं, कहना कि आपसे ही सीखा है, हर बात मम्मी से पूछ कर करनी चाहिए, थोड़े समय में ना तुम्हारा पति खुद परेशान हो जाएगा और मम्मी मम्मी करना छोड़ देगा। ये बोलकर अर्पिता हंसने लगती है। कॉलर भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जानकर खुश हो गई और हंसते हुए बोली, तुम्हारो आइडिया सारू छे बेन, आज से काम पे लग जाती हूँ, हूँ फोन राखू छू, बाय। सागरिका ये देखकर गुस्सा हो गई कि अर्पिता ने उसकी बात नहीं मानी और फिर से कॉलर को इतना चीप सलूशन दे दिया, पर उसने अर्पिता को कुछ नहीं कहा, बल्कि मन ही मन सोचने लगी, आज जो करना है वो कर लो, कल दिखाती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात। सागरिका रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर बाहर आ गई और राज और ऋत्विक से बोली, मैंने कल जस आरजे के बारे में बताया था, उससे बात हो गई है और वो ये शो करने के लिए रेडी भी हो गई है। राज बोलता है, पर कल तो हमने कुछ और डिसाइड किया था, राइट? हमने नहीं, तुम दोनों ने। सागरिका बोली,
ऋत्विक गुस्से में बोला, आपको जो करना है करो, पर मैं अर्पिता को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये शो तो वही करेगी। इससे पहले कि दोनों में झगड़ा और बढ़ता, राज ने एक आइडिया दिया। क्यों ना हम अर्पिता और सारजी के बीच एक कॉम्पिटिशन करें, उसमें जो भी जीतेगा शो उसका। फाइन, सागरिका बोलती है, और अगर अर्पिता हारती है तो वो सिर्फ शो से नहीं बल्कि इस ऑफिस से भी बाहर चली जाएगी। ऋत्विक इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। वहां रिकॉर्डिंग रूम में अर्पिता के पास एक और कॉल आता है। Share your secrets with Koel Malhotra. Koel जी, बहुत मारा है पब्लिक ने। अभी अभी लोगों ने जमकर पीटा है मुझे। कॉलर की दर्द भरी आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या कांड कर दिया भाई तुमने कि पब्लिक ने तुम्हें पीट डाला है? अर्पिता ने हैरान होते हुए कहा, मैं गोपी बोल रहा हूँ जी। दरअसल मुझे बचपन से ही एक बुरी आदत है, अगर मैं किसी के सिर पर बिखरे हुए बाल देखता हूँ ना, तो मेरा मन उन बालों को ठीक करने के लिए मचल जाता है। आपको लगेगा ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी इस आदत के कारण मैं बुरी तरह से फंस जाता हूँ जी। जैसे कि आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाजार में एक औरत को देखा जिसके बाल फैले हुए थे। आदत से मजबूर होकर मुझे उस औरत का पीछा करना पड़ा ताकि मैं उसके बाल ठीक कर सकूं। बस फिर क्या था, यहाँ मैंने उस औरत के बालों को हाथ लगाया और वहाँ पब्लिक ने जमकर मुझे ही पीट दिया। कोयल जी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं कैसे अपनी इस आदत से छुटकारा पाऊं? क्या होगा इस कॉलर के अजीब से सवाल पर अर्पिता का जवाब, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ।